नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने नवीन गुरु यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप ठीक होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। सीईटी मीन्स की तैयारी कर रहे होंगे, फॉर्म भरे होंगे और दिक्कत आ रही होगी। तो आज मैं आपके बीच में एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ सीईटी मीन्स को लेकर। आज कोर्ट का जो फैसला है वो होने जा रहा है सीईटी क्वालिफाइड नेचर को लेकर। तो जो केस लगा रखा था वो आज मैं आपको बता देता हूँ, कौन सा केस है, क्या लफड़ा है। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूँ। तो जो सीईटी मीन्स की फॉर्म अप्लाई करें उसमें बहुत दिक्कतें आ रही है, जैसे फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं होना, और इसमें ITI डिप्लोमा वो उसका ऑप्शन नहीं है, और इसमें जो नो जॉब वाला प्रोफॉर्मा है उसको लेकर कई दिक्कतें आ रही हैं, और भी बहुत है जो सीईटी मीन्स में बहुत ही दिक्कत आ रही है। तो इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर गवर्नमेंट स्कीम से लेकर कोई भी भर्ती की वीडियो आती है या सीईटी मीन्स की कोई अपडेट आती है तो इस चैनल पर डालता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। तो सीईटी नेचर को लेकर, क्वालिफाइड नेचर को लेकर जो केस है वो दिखा देता हूँ आपको। आप देख सकते हैं ये हाई कोर्ट ऑफ पंजाब ऑफ हरियाणा चंडीगढ़, ये देख सकते हैं। और आगे क्या है, डायरी नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डायरी नंबर है 86668 72, ये डायरी नंबर है। और कैटेगरी यहाँ पर देख सकते हैं, नाइन 10.7 वायरस गवर्नमेंट सर्विस हरियाणा, देख सकते हैं। जो केस रजिस्टर होया है वो है 18 अप्रैल 2023 को केस रजिस्टर हुआ है। और आगे देखते हैं पार्टी डिटेल, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, आशीष कुमार एंड VS स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर, आप देख सकते हैं। और इसका जो एडवोकेट नेम है, एडवोकेट जो केस लड़ रहा है वो है प्रशांत सिंह चौहान, आप देख सकते हैं। और अभी क्या स्टेटस है, वो अभी पेंडिंग है, यानी आज जो केस है वो सुनवाई होनी है सीईटी प्रीफ्रेंस क्वालिफाई को लेकर। और इसमें देख सकते हैं आप आगे मींस केस डिटेल यहाँ पर दी गई है, मींस केस डिटेल है वो वहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर देख सकते हैं महेंद्रगढ़ से ये है केस रजिस्टर करवाया गया है। और इसमें क्या है आगे देखो, ये केस है, ये आज तारीख भी दिखा रखी है यहाँ पर, देख सकते हैं 27 अप्रैल 2023। तो जो सीईटी क्वालिफाई नेचर को लेकर आज है वो सुनवाई होने जा रही है, आपके लिए 100% महत्व, 100% अच्छी खबर होगी कि केस है वो सक्सेसफुल हो जाए, वरना आने वाली 1-2 तारीख में तो केस है वो हो जाएगा और आप सीईटी नेचर क्वालिफाई है वो कर दिया जाएगा। तो ये पूरी अपडेट थी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में।